जय माता जी की साहब। हुकम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वफादार कुत्ते के बारे में जिसने, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बात कर रहा हूं एक कुत्ते के बारे में जिसने कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बात है सन 1670 की, जब लोहारू पर ठाकुर मदन सिंह जी का राज हुआ करता था। ठाकुर मदन सिंह जी के दो पुत्र थे, महासिंह और नोराबाजी। और इतना ही नहीं, ठाकुर मदन सिंह जी के सैनिकों में, उनके वफादारों में एक शख्स थे बख्तावर सिंह जी। और बख्तावर सिंह जी जितने बहादुर थे, उतना ही बहादुर बख्तावर सिंह जी का वफादार कुत्ता हुआ करता था। वो कुत्ता, वो डॉगी बख्तावर सिंह जी को बहुत ही जान से भी ज्यादा प्यारा था। और अब आपको ले चलते हैं कि ऐसा क्या घटित हुआ जब कुत्ते ने कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बात है सन 1671 की, जब ठाकुर मदन सिंह जी ने औरंगजेब को लगाम देने से इनकार कर दिया, रसूल देने से इनकार कर दिया। और उस इनकार करने की वजह से औरंगजेब ने हिसार के सूबेदार अल्फू खान को लोहारू पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और एक भयंकर विशाल सेना के साथ में अल्फू खान ने लोहारू पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह ठाकुर मदन सिंह जी अपने पुत्रों और सैनिकों सहित उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। और नतीजतन एक घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंदर तरह तरह के हमलावर अपने आप से हमला किए जा रहे थे, सैनिकों को मौत के घाट उतारे थे जा रहे थे। दोनों तरफ सैनिक धीरे धीरे मौत की नींद में सो रहे थे। और उस समय सब लोगों ने एक ऐसा नजारा देखा कि ठाकुर मदन सिंह जी के दोनों पुत्र महासिंह और नोराबाजी वफादारी से युद्ध करते हुए, बहादुरी से युद्ध करते हुए वहीं रणभूमि में शहीद हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ बख्तावर सिंह जी एक घमासान युद्ध लड़ रहे थे मुगल सैनिकों से। तो एक तरफ यह भी था कि उनका वफादार कुत्ता भी लड़ाई लड़े जा रहा था। बख्तावर सिंह जी की तलवार जिस भी सैनिक को जख्मी करती, उनका कुत्ता वहीं पे उस जमीन पे गिरे हुए सैनिक की गर्दन अपनी पंजों में और अपने मुंह में दबोचकर उस सैनिक को मार डालता। यह सिलसिला चलता रहा। जैसे ही बख्तावर सिंह जी की तलवार से कोई सैनिक जख्मी होकर जमीन पे गिरा और उनका वफादार कुत्ता उस सैनिक पर झपट पड़ता और उसकी गर्दन मरोड़ के उसको खत्म कर देता। इस तरह से उस कुत्ते ने कुल 28 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और जब बाकी मुगल सैनिकों ने उस कुत्ते को इस तरह से मुगलों को मारते हुए देखा तो उन्होंने उस कुत्ते पर हमला किया। लेकिन उस कुत्ते के ऊपर उन हमलावरों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तब कई सारे मुगल सैनिकों ने एक साथ मिलकर के उस कुत्ते पर हमला किया और कई सारे जख्म होने की वजह से वो कुत्ता उसी रणभूमि में शहीद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद में बख्तावर सिंह जी भी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हुए वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन तब तक मुगल सेना के छक्के छूट चुके थे, मुगल सेना अंततः अपनी हार तक पहुंच चुकी थी। और नतीजतन अल्फू खान को युद्ध भूमि से भागना पड़ा था और ठाकुर मदन सिंह जी जीत चुके थे। युद्ध के बाद में ठाकुर मदन सिंह जी ने जहां पर वो कुत्ता शहीद हुआ था, उस कुत्ते की याद में वहां पर एक गुंबद बनवाया, एक छतरी बनवाई। और उसी से कुछ दूरी पर जहां पर बख्तावर सिंह जी शहीद हुए थे, बख्तावर सिंह जी की चिता को अग्नि वहां दी गई और उसमें बख्तावर सिंह जी की पत्नी सती हुई थी। तो वहां पर सती माता का एक छोटा सा चबूतरा, एक मंदिर के टाइप का वहां पर आज भी बना हुआ है और कुत्ते का गुंबद भी बना हुआ है। तो ये था इतिहास का वो वफादार कुत्ता जिसने मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जय माता जी की साहब।